कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी बनाई मोहन भाई, मजा आ गया खाकर। तो बनाई तो आपने है? मैं हूँ इनकी बर्तन वाली बाई। नहीं, तुम बर्तन वाली बाई नहीं हो। क्यों आपने बोला नहीं था कि तू क्या करने जाएगी? जब मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे किचन का काम देख लूंगी पूरा। ठीक है, तो इसका रंग उतारना है क्या? नहीं। हेलो गाइस, की हाल चाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। पीछे व्यू, यहाँ पे नदी चल रही है और कुछ ये वाला एरिया हमने ढूंढा कैंपिंग के लिए। करते हैं शुरू, पहले टेंट पिच करते हैं। गाइस, हमारा टेंट है जो पिच हो चुका है, तो अब बनाते हैं कुछ खाने के लिए। ये कुछ ऐसा है हमारा आशियाना। तो यहाँ बैठने के लिए हमारे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कुछ चाय कॉफी बना के फिर पीते हैं। तो आपको मैं टेंट के अंदर से सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो नहीं तो दिखा दे, दिखा दो। तो गाइस, ये हमारा टेंट, ये है सामने का व्यू। तो गाइस, ऐसा व्यू है दिखने में, सामने पहाड़ है। तो हम तो यहाँ पे कुछ बनाते हैं पहले। चलो शुरू करते हैं। अभी टेंट पिच हो गया, भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा पी लें फिर बात करते हैं। पहले बना लें फिर तभी खाएंगे। ये हमारा कैंपिंग स्टोव, ये हमारे पंडे ठिकरे, पहले हम बनाते हैं कॉफी, ठीक है, फिर उसके बाद बनाएंगे हम पहले। तो कॉफी के लिए पहले डालें हम सूप वगैरह, फिर बाद में पी लेंगे। अभी हम कचरा फैलाएंगे तो हम साथ के साथ वो उठा के भी जाएंगे। तो गाइस, जहाँ भी आप कैंपिंग करो तो अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाना, तो बाद में फिर दिक्कत आती है इन फ्यूचर। अगर किसी ने कैंपिंग करनी हो तो वो कहीं उनके लिए बैन ना हो जाए। हरिद्वार आपने जो सीरीज़ पिछली देखी थी, तो उस सीरीज़ में आपने मतलब बहुत प्यार दिया हमें, जो हरिद्वार और ऋषिकेश वाली सीरीज़ थी। तो गाइस, वहाँ पे हमें कैंपिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि ऋषिकेश में हमें कोई कैंपिंग प्लेस मिली ही नहीं। तो हमने बहुत मुश्किल से कैंपिंग प्लेस हरिद्वार में ढूंढी, वो भी कहाँ ढूंढी, कार पार्किंग में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ना बिल्कुल कच्चा था, तो वहाँ टेंट फिक्स कर दिया रात में। तो हम 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ हमने टेंट फिक्स किया। तो रात में थोड़ा कुत्ते वगैरह भौंकने लगे, पीछे हो जाऊँ कहीं और ना, भी इसके छोटे छोटे पड़ जाएँ ऑयल के। देखिए इसके अंदर लिख रहा है।
क्या हो जी, आ गया तड़का हमारा मतलब। हेलो इन आप उसकी तैयारी करें पनीर की। मम्मी कहते ध्यान ना जाइए मोहित ने भी कही जाके फोन कर दे फोन चुकने में किन्नी को दूर है तो गाइस हमारी मैगी रेडी हो चुकी है तो करते हैं खाते पीते हैं। ये तो गाइस ये हमारा पनीर चीज चिली का ये बन चुका है इस रेडी हो चुका है इसको अब बनाएंगे फिर हम खाएंगे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैगी। हेमंत भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी बनाई मोहित भाई, मजा आ गया खाकर। तो बनाई तो आपने चलो बनाइए, प्यार तो आपका है ना हमारा। गाइस देखिए ऐसा है कुछ नजारा और सामने है पहाड़ और ये है हमारी मैगी, पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। तो गाइस खाते हैं अभी। तो हम ना साथ में ब्रेड भी ले आए थे तो अगर ब्रेड बनाने पड़े तो हम चीज चिली के साथ खा लेंगे हम ब्रेड। मैगी तो मैं खा चुका हूँ और नीतू भी खा रही है, हेमंत भाई अभी खा रहे हैं। तो मैंने पहले अपना काम ख़त्म कर दिया तो भांडे साफ कर दे, बनाते हैं पनीर टिक्का, देखते हैं कैसे बनेगा। चीज चिली बना ले या पनीर टिक्का बन जाए तो बात तो सेम ही है, वो थोड़ा स्मोकी हो जाता है तो ये थोड़ा हम पैन में बना लेंगे। तो स्मोक के लिए हम लेके आए हैं कुछ, अगर हुआ तो वो भी बना लेंगे। मैं हूँ इनकी बर्तन वाली बाई। नहीं तुम बर्तन वाली बाई नहीं हो। क्यों आपने बोला नहीं था कि तू क्या करने जाएगी, जब मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे किचन का काम देख लूंगी पूरा। चलो किचन के काम में बर्तन का काम भी आता है। आता है, आता है ना। हाँ। तो फिर मान जो ये तो मेरा फेवरेट काम है, पता नहीं आपको। अच्छा घर पे मेरा क्या काम है? एक काम है मेरा घर पे, कौन सा? बर्तन साफ करना। कुकिंग पैन वगैरह है ना तो इसमें ना बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ भी बनाना हो तो बहुत जल्दी ऐसे बन जाता है। चलो बनाते हैं अब चीज। तो हमने बटर डाल दिया। तो गाइस हमारा चीज चिली भी रेडी है और हमारे ब्रेड भी रेडी है। मैं भी देखो टेस्ट करके कैसा बना है। हमारे ब्रेड भी रेडी है और ये मस्त बना है, मस्त
अब मैं ट्राई कर रहा हूँ चिली चीज़। थैंक यू, वेलकम वेलकम। तो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, तो ये रहे हमारे बर्तन। तो अभी साफ़ करके यहाँ का देखो कितना खलारा डाला हुआ है, तो गंद बहुत पड़ गया। तो थोड़ा टेंट के अंदर भी हमारे वीडियो के साथ बने रहो, अभी आपको थोड़े ये अभी साफ़ करके हम सारा, तो फिर यहाँ से हम निकलते हैं, करते हैं पैकिंग, तो चलते हैं। तो गाइज हमारी कैंपिंग हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो गाइज अभी हम बाय आपको करने लगे हैं इन खूबसूरत वादियों में, तो फॉग आनी शुरू हो गई है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।